क्या आपने कभी देवी दुर्गा या हमारी देवियों की 75 रूप की मूर्तियां देखी है क्या? कुछ भी क्या बोला तूने? सो हेलो, वेलकम बैक, नमस्कार और जय श्री राम। मेरा नाम है प्रियांशु एंड वेलकम बैक इन अ न्यू व्लॉग, व्लॉग ऑफ 75 देवियों के रूप। यार उसके अलावा कुछ कहने लायक नहीं है यार, बहुत ही यूनिक चीज ट्राई करा गया। सो वीडियो में एंड तक बने रहना, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और गूगल मैप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो क्लिक करके जरूर आ जाना देखो। सो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारे 75 देवी दुर्गाओं के 75 रूपों का, मतलब मूर्ति, यहाँ से एक से स्टार्ट हो रहा है और चारों तरफ से गोल घुमा हुआ मूर्तियों का टोटली सेट रखा हुआ है। मूर्तियां रखी हुई है और उधर भी रखी हुई है, सब आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। बाकी बहुत सारी मूर्तियां अभी है जो कि लगानी बाकी है और यहाँ पर लाइन बाई लाइन रखी हुई है जो कि सजानी अभी बाकी है। मेन गर्भगृह यानी मंडप, यहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा और उनके संतानों की प्रतिमा रखी हुई है। भगवान गणेश, आपको माँ लक्ष्मी दिख जाएंगी, माँ सरस्वती दिख जाएंगी और भगवान कार्तिक दिख जाएंगे और बीच में आपको दुर्गा जी दिख जाएंगे। फिर आपको लिए चलता हूँ बगल वाली लाइन में जहाँ पर और भी मूर्तियां रखी हुई है। टोटली मैंने जैसा कि बताया आप, टोटली 75 रूप की मूर्तियां यहाँ पर माँ दुर्गा की रखी गई है, यानी हमारी देवियों की रखी हुई है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फिर इधर भी है, बहुत सारी है यार, ऐसे तो लग रहा है कंफ्यूजन हो जाएगा लोगों को। सर जैन सर फिर इस साइड वाली लाइन में लिए चलता हूँ, या पहले इस लाइन में चलते हैं उसके बाद आपको इधर घुमा के लाऊंगा। एक बात आपको नोट करवा दूं, मूर्तियों के साथ साथ मूर्तियों की नाम, मतलब देवी के रूप की नाम लिखी हुई है, उधर लिखी हुई है बट इस साइड अभी लगाना बाकी है। इस साइड आप देखो, देखो यहाँ पर नीचे में नाम लिखी हुई है, अब आपको ध्यान से देख रही हो। ये वाली लाइन दिखा देता हूँ, साथ में ये वाली भी लाइन आपको क्लियर करवाऊंगा, दिखाऊंगा। चलो ये वाले लाइन में लेके चलता हूँ, अब आपको इस लाइन की मूर्तियां दिखाता हूँ। मैं तो कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आपने नहीं देखा होगा, सो इसीलिए मैंने ये वीडियो भी क्रिएट करा, क्योंकि ये पैंडल की जो पैंडल कुछ खास नहीं बनाया गया, टोटली कहा जाए ना एक नॉर्मल सा आपको बम्बू टाइप, मतलब जो बांसों से स्ट्रक्चर तैयार करा गया, उस पर कपड़ों की सेट तैयार करी गई है। बट हाँ, अब उसके बाद आपको जो स्पेशल देखने मिला है, यहाँ पर 75 देवियों के रूप देखने को मिल रहा है, जो कि पहली बार कोलकाता दुर्गा पूजा या किसी भी दुर्गा पूजा पैंडल में ऐसा क्रिएट करा गया हो।
मैं तो कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आपने नहीं देखा होगा। सो इसीलिए मैंने ये वीडियो भी क्रिएट करा, क्योंकि ये पैंडल की जो पैंडल कुछ खास नहीं बनाया गया, टोटली कहा जाए ना एक नॉर्मल सा आपको बम्बू टाइप, मतलब जो बांसों से स्ट्रक्चर तैयार करा गया, उस पर कपड़ों की सेट तैयार करी गई है। बट हाँ, अब उसके बाद आपको जो स्पेशल देखने मिला है, यहाँ पर 75 देवियों के रूप देखने को मिल रहा है, जो कि पहली बार कोलकाता दुर्गा पूजा या किसी भी दुर्गा पूजा पैंडल में ऐसा क्रिएट करा गया।